और सालन जो मैंने बनाया है ना माशाल्लाह देखें, बीफ वाला वी आई पी सालन कैसा लगा? बहुत अच्छा है, इसे बनाना था रोज। अबू जान तिलावत कर रहे हैं माशाल्लाह, पंखा भी। दोपहर को नहीं खाया था आपने, अभी अचार के साथ खा रहे हो। आज सिस्टर के घर मेहमान आए हुए हैं, मेरा ससुर और मेरी सास और मेरी साली आई हुई है। वाह करने जा रही हो? आज से मैंने इसको कहा है ना, आसरा ना लिया करो, खुद अपने पैरों पे चलो। ये वाली लकड़ आपको नजर आ रही है, अभी ये वाली भी ली है और ये वाली भी ली है, और माशाल्लाह लकड़ की जो है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शफात अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, चलते इसी दुआ नबी लोग की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह असर का टाइम होने वाला है, हम भी हाजिर हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना, रुखसाना को मैंने बना के दिया है अंगूर, इनको अच्छे तरीके से हमने धो लिया है पानी के साथ। पहले फ्रिज में लगे हुए थे तो ज़्यादा ठंडे थे, मैंने कहा इनको जो है ना थोड़ा धो के ना इनको थोड़ा सा गर्म करके ना इसको दे दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कैसा लगा? बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर बच्चे भी सब ठीक है, आप सब बहन भाई की दुआओं से। तो अभी जो इंशाल्लाह असर का बाद का टाइम हो चुका है, तो खान साहब मुझे अंगूर भी है नखा। असर का टाइम हो चुका है, असर का टाइम होने वाला है। अच्छा, मैं तो अंदर सोई हुई, मुझे पता नहीं अब अच्छा, चलो ठीक है, कितना टाइम हो गया है। अभी इंशाल्लाह खाते हैं अंगूर, फिर मिलते हैं सबको। हाँ, नाश्ता कर लो, रोटी बनाएंगे। हाँ जी, बाहर का माहौल जो है कुछ इस तरह से है, छाँव जो है इस तरफ से पहुँच चुकी है, और ये वाली चार पाया महायुद्दीन के घर से ले आए थे, ये वाली पहुंचानी है। यकूब पता नहीं किधर गया है, ये चार पाई देने भी नहीं गया, आज तो उनके घर है ना आपके अम्मी यकूब चले नहीं गए। पहले वो जा रहे थे, तैयारी बांध रहे थे कि वो माहियुद्दीन के घर है ना, हाँ आपकी दूसरी सिस्टर के पास। अभी ना लकड़ी वाला भी आएगा तो उसके इंतजार बैठा हूँ, वो आएगा फिर लकड़ी भी वजन करनी है, अंदर रखनी है। मैंने सोचा कि आपके लिए ना आज वी आई पी सालन बनाए, हाँ दोपहर वाला सालन भी थोड़ा सा हार्ड था, मुझसे नहीं बन सका, तो आज मैं खुद बनाऊंगा। पहले हाजिरा ने बनाया था ना, इसलिए आज मैं टमाटर भी ले आया हूँ, प्याज भी हैं, पहले उनके अच्छे तरीके से ग्रेवी बना के ना बाद में जाना। उसको पहले धो के उसके अंदर दो गिलास पानी डाल के फिर उसको बॉयल करना खड़ा दो, थोड़ी हाँ थोड़ी नमक डाल दो, मिर्ची डाल दो, काली मिर्ची वो डाल दो, वो बॉयल होता रहेगा, आखिर में जो पानी ख़त्म होता है ना उसका, वो थोड़ा सा सोर करके फिर जो है ना लास्ट के लिए थोड़ा पानी डाल देना, वो जल्दी। चलो ठीक है, फिर आप जो तरीका बता रही हो ना, फिर वो वाला तरीका हम इस्तेमाल करेंगे। वो उठ गई है, उठ गई है, हाँ वो उसको भूख लगी हुई है। बाहर आ चुका हूँ और लकड़ी वाला जो है ना दूसरा चक्कर लकड़ी का इधर रख गया है, पहला चक्कर ये बनता है और दूसरा जो है वो वाला, तो ये दो चक्कर और तीसरा चक्कर जो है ना वो अभी उठाने गया है, वो जब आएगा फिर इसका वजन करेंगे। और इतनी लंबी और बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ी जो दे रहा है ना, ये वाली हम उसको कहेंगे हमको ना चाहिए, क्योंकि ये क्या चीज़ के साथ हम इसको टोक के बालेंगे, ना हमारे पास कोई कुल्हाड़ा है ना कुछ, तो उसने इतनी मोटी ले आया। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। सब खैर किया था घर में? सब खैर किया था। हाँ खैर। छोटी स्कूल गई है? छोटी फसाना नहीं है अभी तो, वो चाल फसाना नहीं रखना। आपने कमेंट किया
अफजल भाई इसका नाम जो है ना फरजाना, मैंने किया है कमेंट, पुराना नाम है, बहुत पुराना नाम है। ऐसे असल में ना आपको क्या बताएं, कल मैंने वीडियो में बताया था इसका नाम अभी हमने फिक्स करना है। अच्छा, फिक्स करना है। जो सवाल नाम बोला वो बहुत प्यारा है, उमे अभी बहुत प्यारा नाम। अच्छा वो तो चूज करेंगे ना, वो जो हमने सदका करना है ना, खैरात करनी है, उस दिन सब इकट्ठे होंगे, फिर उसमें हम सबको बता देंगे इंशाल्लाह जी। ये नाम है इसका इंशाल्लाह। अच्छे अच्छे नाम जो आजकल के है ना इस्लामी, वो लिखे जो आजकल चल रहे हैं, वो लिख के वहाँ हबीबा सही है, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है ना। बस सभा का नाम बहुत, वो मैंने जैसे हबीबा, उम्मे कल्सूम, उम्मे और भी नाम है, बहुत सारे नाम है, बहुत प्यारा है, ये रखना है बस। अच्छा और ना रखे, सभा का नाम प्यारा है। असल में मैं जो आया था ना, ये मीटर चेक करना था, बिजली के बिल आया हुआ है 33,000। ओ तेरी, फिर मैंने भी भरना है। आपने 33,000 है, 11,000 आएगा। पंखा अभी भी चला रहे हो ठंडे थे, हमने बंद कर दिया है। देखो बाहर कितना ठंडा माहौल है। अभी आया हूँ बाजार से। अच्छा, तो वो सप्लाई दी हुई थी ना, सप्लाई खराब हो गई थी। अच्छा, फिर मोटर नहीं चल रही थी, सप्लाई दी तो फिर वो लेने गया था। हमारी वॉशिंग मशीन जल गई है, बिजली का वोल्टेज, वो इधर बनाता है इमरान इलेक्ट्रिशियन, उसी को दी। क्या कहा है? 3,000 रुपया कहता है। शहर ले जाते मोटरसाइकिल पे तो फिर थोड़े पैसे लग जाते शायद, जहाँ जाते हो ना उधर भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं ना, उधर कारीगर भी अच्छे। सारा पता नहीं बंदा किधर घूमता फिरता, फिर मैंने इसको इधर दे दी, मैं कहा चलो शाम को वहाँ पे शहर पे, फिर दो दो तीन तीन दिन बाद देते हैं। हाँ वो तो है, तो इसने भी शाम को फिट कर देनी है। कपड़े बिल्कुल नहीं है पहनने वाले बच्चों के, अब्दुलरहमान का तो एक सूट भी नहीं है। आपने ये वाली दो केने ली, हमारी केन तो फट गई आज पानी वाली। क्यों गिर गई? फट जाती है, ये फट जाती है। असल में वजन होता ना, ये छोटी है ना, हमारी बड़ी थी। अच्छा, ये जो है ना नुक्कर है इसकी, ये भी कभी फट जाएंगे। ये जो जगह है ना, ये वाली कन्नी, ये जी जी। जब पानी का जब वजन आता है ना इधर, फिर जो है ना ये देखें जी, ये छोटी छोटी कीड़िया इधर कूलर पानी में जा रही है या आम खाने जा रही है? ये अभी मैंने रखे हैं। अच्छा अच्छा, मैंने कहा चाल कर रखे तो फिर चूंटियां। मेरे ख्याल में ये जो आप गोश्त वाली नीचे मुंडी रखी है ना, नहीं नहीं वो गुटोई हुई है, धुली हुई है, तो ये क्या खा रही है? ये बच्चों ने आयत ने अपनी रोटी कूलर के पानी में चल जाती है, अपनी रोटी आयत ने रखी थी। फिर कूलर की जगह चेंज कर लो। वही ना, अब ये थोड़े दिन देखते हैं चेंज करेंगे इंशाल्लाह। चले हम जाते हैं, आप गाड़ी चेंज कर देंगे। अच्छा, घर कैसे चेंज वैसे लगे हुए, गाड़ी चेंज करेंगे कि जब अहमद भाई कोई काम शाम कराए तो फिर कुछ ना कुछ तो फिर चेंजिंग तो करनी पड़ेगी ना, या नहीं करनी पड़ेगी? चेंज करोगे पहले उस कमरे में, फिर इस कमरे में, फिर इस कमरे में। हाँ जी सही है, घर नहीं चेंज करेंगे, हम यहाँ पे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, प्यारा घर है, खुला माहौल है, हवा लगती है, बस ये 10-15 दिन है फिर सर्दियाँ आना शुरू हो जाएगी। गल कहिए ना, और की गल करने ने मौका मिल जाए, बाकी कह रहे आप लोग बहाने बना रहे हो, घर खाली करना चाहते हो, किस चीज ना था, क्या क्या सी? अच्छा तो सा हमने मसलन ने लगाया था ना, हमारी कजन की चोरी हुई थी ना, हमने उसका लगाया था कि एहतियात से सोए सब जितने भी हैं, चोर नहीं देखते, ऊपर मोमटी बनी है क्या, वो तोड़ के तो अंदर आ जाते हैं। हमने वो यानी कि एक वीडियो बनाई थी अपने कजन के बारे में, तो किसी ने मतलब कमेंट किया था कि भाई आप घर खाली करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मैं कहा आपके घर भी चोर आए, कल्ला माफी, हमारे घर से क्या लेके जाएंगे? हमारे घर है क्या आम पड़े हुए? मैंने भी थंबनेल देखा था कि हमारे घर में चोरी, चोर लड़ाई कर करके आम मंगवाए बच्चों ने, बाबा आम ला के। आम तो बड़े महंगे, 300 रुपए किलो है, बड़ी जबरदस्त सस्ते मिल गए, 150 रुपए किलो मिले हैं। अच्छा, तभी लेके आए, शहर में सस्ते हैं, इधर महंगे देते हैं चौक पे, ऐसे ना। वो एक बंदा शहर जाए चीज सस्ती हो, एक दूसरे को चलो बंदा काल कर देता है जो मंगाना हो ना। बस हम ना शहर जाते हैं, उस दिन के मैं जब वो सप्लाई लेके आया मैं नहीं गया, आज भी मैं सप्लाई लेने के लिए गया था, क्या करोगे, सप्लाई नहीं थे, बैटरी से चलानी पड़ती थी ना, ये बैटरी से चला सकती है ना, बच्चे चला सकते हैं, अब सप्लाई लगा दी है, बटन दबाओ क्लिक, ये भी बलता है बल्ब, जी जी ये बड़ा बल्ब है ना। चलो आप नाश्ता करो, आपका टाइम है ना, नाश्ता करो, आप शहर गए थे, असर के बाद का टाइम है, नाश्ता करो, फिर रोटी ईशा के बाद खाना। नहीं वो सालन नहीं था बना हुआ, इसलिए अम्मी बच्चों ने अचार और दही के साथ रोटी खा ली, तो मैं इनके इंतजार में बैठी रही, मेरे मक्खन अभी बनवा, इसको ना डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। ये डॉक्टर किधर है?
यार धूप सड़ी, जहाँ स्कूल जाते थे ना जी जी, जो ये रास्ता स्कूल जाते थे वो इधर नहीं मुड़ना, वो वाली सड़क सीधे चला जाना, वो सीधे ठीक है। आगे आप पढ़ लेंगे डॉक्टर हसन बैठा हुआ है सामने, उस सड़क थोड़ा सा सफर है। अच्छा हाँ, उधर चले जाओ। चले बस जाते हैं अभी ना। हाँ वहाँ पे जाके फिर वो नलके से जो पानी भरते थे वो से उधर से गुजरते थे, पंप से, पंप से जो पंप उधर से नहीं भरते थे, आप उधर गए नहीं, जो वाटर वाला नलका था पंप उधर नहीं गया, नहीं गया वो भी उधर है। चले कोई बात नहीं, मैं यकूब को किसी टाइम साथ ले जाऊंगा। हाँ सही है, आप खाना खा लो फिर जब जाना इसको साथ ले जाना, 5 मिनट लगेंगे। ठीक है सही है, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अभी हम जाते हैं फिर हिसाब करते हैं, फिर जो है ना कल आखिरी डेट है बिल की। ठीक है आप कहेंगे जितना कहेंगे वो चिंता करेंगे। अभी इसको सजा है क्या, मुझे भेज देनी है। हाँ वो भेज दो, तस्वीर भेजेंगे ना। हाँ तो फिर वो मैं भी अपने कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको। इसमें क्या है, इसमें खाली है, खाली है। ये आपका छापर है? नहीं सप्लाई डाल के लाया। अच्छा ये आपका है, हमारा नहीं। ठीक है ओके बाय बाय। पहुंच चुका है वापसी घर, तो रुखसाना आपके लिए बीफ बनाना है। हाँ बना रहा हूँ, जैसे आपने तरीका बताया, पहले उसको अच्छे तरीके से धो के ना, पहले उसका जो है ना पानी, खून वाला पानी जो होता है ना ब्लड वाला, वो सारा सुखा के फिर बाद में मिसाले भून के बाद में ऐड करना है। ऐसे करना है जी, ठीक है। वो गुड़िया देखो भूख से हाथ जो है ना मुंह में डाल रही है, वो खेल रही है, खेल रही है। चलो मैं आपके लिए सालन बनाता हूँ, लेट भी काफ़ी हो गया, सिर का बाद का टाइम हो गया। मैं चला गया उधर नबीला राशिद के पास, उधर गया वो बिल ना, कल की आखिरी डेट है। मैंने कहा वो जो बिजली बाली खड़े हैं ना उसका जो मिनी मीटर लगा हुआ है उसका देखा, वो 116 यूनिट उन्होंने बाले हैं। अच्छा तो फिर हिसाब करेंगे, उसके हिसाब से जो पैसे आएंगे ना फिर तकसीम करेंगे ना। अभी ये पंखा जो है ना उधर बाहर खड़ा ना है, बाहर खड़ा के अंदर काट दूँ, फिर रात की तरह सर्दी लग जाए, नहीं तो फिर बाद में जाना। ये वाला बंद हो रहा है ऊपर वाला, तो ऐसे कर दो क्योंकि हम पास हो गई है ना अंदर। चलो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बीफ जो है मैंने चढ़ा दिया है, ये देखिए बॉयल हो रहा है। आज ना जो है गोभी बना रही है, आलू साथ में पता नहीं नहीं काटे हैं, काला देखे इसने भून लिया है अच्छे तरीके से, और ये वाला बीफ मैंने चढ़ाया है और वो मसाला बना रही है, सालन बना रही है। अबू जान तिलावत कर रहे हैं, माशाल्लाह पंखा भी लगा दिया है, हवा भी लगवा रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, और इधर बैठा है महबूब, ये जो है ना स्कूल वाला सबक जिम्मे वाला जो है वो सारियां कापियां बाहर निकाल रहा है। आपने लिख लिया है क्या? से आया फिर लिख लिया, फिर आपने जल्दी जल्दी लिख लिया आज। आज मैंने कूलर ऊपर रख दिया है, वो छोटे बच्चे तंग करते थे ना, पानी सारा नीचे गिरा देते थे, शाम को पानी नहीं खत्म, पानी ख़त्म हो जाता था, शाम को पानी ख़त्म हो जाता था, फिर मैंने आज जो है ना कूलर उठा के ना वो उधर रख दिया है। आपका बस्ता वजनी हो गया है क्या? अच्छा कितनी क्लास में पढ़ रहे हो? 5वीं 6वीं 5वीं। सही हो गया। बुशरा क्या कर रही हो? खेल रही थी। किसके साथ? गुड़िया के साथ। गुड़िया के साथ खेल रही हो, उसको खिला रही हो? अच्छा झोली में खिला रही हो, वो रो रही है, खिलाओ। दोपहर को नहीं खाया था आपने, अभी अचार के साथ खा रहे हो शाम के टाइम। अक्सा क्या कर रही हो? इधर मेरे ख्याल में गोभी जो है ऐड हो चुकी है, आलू भी ऐड हो चुके हैं माशाल्लाह। तो हमारा जो है ना बीफ में पता नहीं कहाँ पहुँचा है, वो अभी बॉयल हो रहा है। चलो इसको होने दो। आज सिस्टर के घर मेहमान आए हुए हैं, मेरा ससुर और मेरी सास और मेरी साली आई हुई है, उनकी दावत है आज। अच्छा यानी रुखसाना के अब्बू अम्मी और इसकी सिस्टर आई हुई है। ऐसे आप वाह करने जा रही हो? आज से मैंने इसको कहा है ना आसरा ना लिया करो, खुद अपने पैरों पे चलो सकून सकून के साथ, वजूद झाल के अपना, तो सहारा होता है ना फिर बंदा सहारे में रह जाता है।
जितने कदम तुरना है अपना अकेले जाओ दीवार के आसरे से, फिर आओ फिर आगी। सही है ना। ठंडा टाइम है, मैंने कहा चलो कुछ वॉक कर लिया करो ठंडे टाइम। सुबह दो बार वॉक किया है, अभी भी इशा तक वॉक कर लेना। रैकेट वाला भाई आ चुका है, उसका करते हैं वजन, फिर जो है ना अंदर भी रखनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लकड़ी का वजन करके ना अंदर ले आए हैं सारी सारी लकड़ी। तो ये देखिए, लकड़ी वाले को पैसे देने थे तो दुकान पे जो है ना गए हैं, पैसे लिए थे दुकानदार से 5,000 रुपये दस्ती। तो उसने मेहनत की है सारा दिन, मैंने कहा मेहनत का तो आपको पता है जब बंदा मेहनत सारा दिन करता है ना, उसको पैसे पसीने सूखने से पहले मिल जाने चाहिए। तो वो मजदूर बंदा है आपको पता है, फिर उसको पैसे देने पड़े। तो उसको साथ गया दुकानदार से लेके, उसको जो है ना फाइनल किया, फिर मैं अभी पैदल घर जा रहा हूँ। अभी अंधेरा भी होने वाला है, बल्ला भी बाल चुके हैं और मेरी भी सांस फूल गई है। लकड़ी ना उठा उठा के पूरा जिस्म में पसीना है और मुझे पेन भी हो रहा है। वो टांग का वज़न उठाया ना, ये टांग का पेन भी हो रहा है और ये पीछे पट्टा जो है ना वो भी दर्द कर रहा है। ये वाली लकड़ी आपको नज़र आ रही है, अभी ये वाली भी ली है और ये वाली भी ली है। और माशाल्लाह लकड़ की जो है ना, लकड़ के ऐसे लगता है जैसे हमने दीवार दे दी है पूरी मुकम्मल, ऐसे लग रहा है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि लकड़ ऊपर जाती रहे, वो जो मकान नज़र आते हैं उस तरफ से, ये सारी जगह लकड़ हो उस तरफ से, आने जाने का रास्ता कदम होगा। वो उधर से गली निकाल लेंगे वो दीवार से, ये सारी लकड़ के एक दरवाजा निकाल हुआ सीधा उधर, ये सारी लकड़ पड़ी हो। हाँ, वो किसी और का प्लाट रखा, उन आने जाने देता है, इधर रख दिया। अभी बस कुछ मौसम ठंडे होंगे ना, फिर इसको कहीं साइड में रखेंगे सारी उठा के। गीली है ना, कुछ सूख जाएगी। आपका जो बाथरूम है ना, इसके कुछ ऊपर रखेंगे, कुछ नीचे रखेंगे, कुछ ऐसे ही ठंडा अपना कर देंगे। माशाल्लाह सिस्टर रोटियां लगा रही है, तंदूर वाली मीठी मीठी रोटियां, प्यारे प्यारे रोटियां, अच्छा तो वाल तवे वाले रोटियां खाने खड़े हैं। गरम आग बची हुई है, आग बच गई है तो फिर सेक पे लगा लो रोटियां। उसको नहीं लगाने आती, अच्छा आयशा को कॉल लगा देगी। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ भी बनाना था, वो भी अभी तक बॉयल हो रहा है, उसका पानी जो है ना अभी तक भी नहीं सूखा, बस थोड़ी सी देर है ये सूख जाएगा, इसको भी तैयार करूँगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी टमाटर मैंने काट लिए हैं, ये देखें ये रखे हैं टमाटर, और प्याज को जो है ना अच्छे तरीके से मैं छील रहा हूँ, तो इसके जो है ना कटाई करूँगा। तो इधर है हमारा बीफ, इसका पानी जो है ख़त्म होने वाला है, फिर हम मसाला भुनेंगे, इसको निकाल लेंगे, फिर इसको तैयार करेंगे। हसन देख रहा है, हसन देख रहा है, तो देख रहा है ये क्या चीज़ है। तो ये जो है ना बना रहे हैं हम रुखसाना के लिए बीफ, सही है, बीफ का कीमा, ये कीमा है ना। चलो प्लेट ले आओ, इसको निकाल लें, पहले मसाला भुनेंगे ना। प्लेट ये ले। चले जी, टमाटर प्याज हमने ऐड कर दिया है, हल्दी मुझे दे दो, हल्दी ले आओ, और वो जो है ना काली मिर्च वो भी ले आओ। काली मिर्च और हल्दी नहीं था, अदरक लहसुन नहीं था, वो रखी है कहाँ पे, इधर ये हल्दी है। काली मिर्च अंदर रखी थी पत्ती,
वो भी ले आओ। चलो ये रख दो सुबह के लिए, पानी का गिलास भी ये काम कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह बीफ जो है तैयार कर लिया है, अभी जो है ना ऐसे मेरे से बना है, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है आपको इस तरीके से। तो अभी जो है इसको डाल के देते हैं रुखसाना को, बर्तन जो है ये माशाल्लाह जी तंदूरी रोटी और छोटे छोटे टुकड़े पहले बनाए थे रुखसाना का, ये टुकड़े जो है ना नहीं बनाओ आप, पहले बनाते थे ना हमने, आज ही बनाए थोड़ी थी वो रोटी दे दिया। और सालन जो मैंने बनाया है ना माशाल्लाह देखें, बीफ वाला वी आई पी सालन कैसा लगा? बहुत अच्छा है, ऐसे बनाना था रोज। आप बड़ी मेहनत हुई है, मैंने असर का चढ़ाया असर का इसको बनाता रहा। पहले आपने कहा ये इसका जो है ना ब्लड वाला पानी जो है ना सुखा के ना अच्छे तरीके से दो ढाई गिलास डाले थे, मुझसे ज़्यादा चले गए, पर तीन थे या चार थे। बस इसको मैं गलाता रहा गैस सिलेंडर पे, तो अभी मगरब के बाद लकड़ी तोड़ के आया तो इसका पानी जो है ख़त्म हुआ था। और इसको बुनाई किया पहले टमाटर और प्याज को, काली मिर्च और हल्दी वो डाली थी, उसके बाद उसकी भुनाई करके ये बीफ डाल दिया। फिर जो इसको भूनता रहा, भून लिया अच्छे तरीके से, फिर थोड़ा सा आधा मुना गिलास या एक गिलास पानी का डाला, फिर उसको पकाया, पका के ऐसे बनाया। अब सही है ना? चलो रोज ऐसे बनाया करेंगे, ये आज गल्ला हुआ है बिल्कुल। चलो ठीक है, आप खाना खा लो, तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।